हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी लंच बॉक्स वाली आलू गोभी और मटर की सब्जी, और इसे मैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए ये 10 मिनट में बनने वाली आलू गोभी मटर की सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कटा हुआ गोभी ले लिया है, आलू ले लिया है, और ये थोड़ी सी लहसुन, 3 हरा मिर्च, और ये मटर, और ये चॉप किया हुआ प्याज। पैन को मैंने गरम कर लिया है, इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दूंगी। अभी सबसे पहले मैं इसमें गोभी डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। इसके बाद मैं आलू को डाल देती हूँ, फिर ये लहसुन, हरा मिर्च और मटर डाल देंगे, और खड़ा जीरा 1 चम्मच डाल देंगे। हाई फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। हल्दी और नमक को मिक्स कर लेते हैं सब्जियों में, और इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये रेसिपी मैं टिफिन बॉक्स के लिए बना रही हूँ, बता रही हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाल दूंगी बस, और किसी मसाले का यूज़ नहीं करेंगे। और 1/2 छोटा चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, क्योंकि जो हरी मिर्च है मेरी वो तीखी नहीं है बिल्कुल भी। इसे मिक्स कर लेते हैं सब्जी में, और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि सारी सब्जियाँ पहले ही पक चुकी हैं। तो बस अब ये हमारी सब्जी रेडी है, गैस को ऑफ कर देने से पहले मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ, जिससे सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और ये देखिए मेरी आलू गोभी मटर की टिफिन वाली सब्जी रेडी हो चुकी है, और ये 10 मिनट वाली रेसिपी टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो अगर ये हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।